शुक्रवार वाला दिन। जी हाँ, फ्राइडे, सो एक्साइटेड। तो फ्राइडे वाले दिन आज 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 का हॉरोस्कोप, जी हाँ, आज का हॉरोस्कोप आपकी स्क्रीन पे पवन गुप्ता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज 11 जून 2021 शुक्ल पक्ष की आज जो है प्रथम तिथि रहेगी। नक्षत्र जो है वो आज मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा जो है वो आज मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 10:40 से लेकर 11:54 तक जो है वो रहेगा। आज जिन भी जातकों का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, उनको हमारी तरफ से, पूरे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन जो है वो मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। सबसे पहले बात करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। मेहनत और अपने कर्म से आज आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, और अपने साहस से जो आपके काम बिगड़ते हुए चल रहे थे तो उनको भी आज आप बना पाएंगे और अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, जिससे कामकाज की स्थिति आपकी बेहतर हो सके। बस एक चीज़ है, थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे आज, किसी कार्य को लेके, किसी डिसीजन को लेके किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपकी हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी बड़े बुजुर्ग की मदद ले सकते हैं। आगे बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो जो सेहत में आपके प्रॉब्लम चल रही थी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां थी, तो उसमें भी आज सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेडिसिन आपके काम नहीं आ रही थी, काम नहीं कर रही थी, तो वो भी अभी दिखाई दे रही है कि काम करना शुरू कर दिया है और सेहत में आपके बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा आज सास बहू में कहीं ना कहीं झगड़े के जो है हालात दिखाई दे रहे हैं, आपस में संबंध कहीं उनके बिगड़ सकते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। उनके बीच में आप अगर थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें एक दूसरे को, और समझाएं और कला क्लेश से ज़रूर बचाएं, ये चीज़ ज़रूरी रहेगी। कामकाज की स्थिति आज आपके लिए बेहतर हो सकती है, भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। और अगर कहीं नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है, आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आगे बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज समय आगे से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम आपके बनने शुरू हो गए हैं, प्लानिंग्स आपकी जो है वो आप प्लान कर रहे हैं, उसमें भी आज आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है और वो एग्जीक्यूट भी हो रही हैं, उनके ऊपर आप अमल भी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और धन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी ज़रूर अभी, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अभी ज़रूर, उसको टाइम लगेगा ठीक होते हुए, पर जैसे आप अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कामकाज को लेके किसी प्रकार को, वो ज़रूर आपकी सफल होनी शुरू हो जाएंगी और जिससे आपकी आर्थिक हालत भी ठीक हो जाएगी। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। आगे बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो थोड़ी सी आज चिंता बनी रहेगी और चिंता का विषय किसी न किसी प्रकार से आपकी पति पत्नी में मतभेद भी हो सकते हैं, वो एक चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। स्त्रियां आज चिंता का कारण हो सकती हैं, स्त्रियों से थोड़ा सा ज़रूर बचना चाहिए। लाभ आपको आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आज की जा सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लाभ मिल सकता है। कामकाज की स्थिति आज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो स्थिति आगे से थोड़ी सी बेहतर और किसी आज सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी बड़े अधिकारियों से आज मुलाकात हो सकती है, जो आपको लाभ का एक कारण ज़रूर हो सकती है। आपको पता है आपकी वाणी आज आप बहुत अच्छी रहेगी, किसी से कैसे कोई काम करवाना है, कैसे काम निकलवाना है, किसी से क्या बात करनी है, ये आप बखूबी आज जानते हैं और वो रिलेशंस आपको आगे लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। किसी प्रकार का कोई अगर कला क्लेश चल रहा है तो उससे ज़रूर आज बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नुकसान, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी लड़ाई झगड़े से बचें तो आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो स्थिति आगे से बेहतर, कामकाज भी आज बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति और मन की कोई इच्छा, आपके कर्म, अपने कर्मों से आपकी कोई आज डिज़ायर जो है वो आज फुलफिल ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। कामकाज की स्थिति भी आज बेहतर हो सकती है, अगर आप अपनी दिन की दिनचर्या को अगर प्लान करके करें।
तो छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। आगे बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो लाभ की स्थिति काफी बनी हुई है। कामकाज आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आज देखने को मिलेंगी। प्रमोशन के लिए आपका नाम भी आगे रिकमेंड किया जा सकता है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। और अगर कोई घर बाय करने जा रहे हैं, वाहन बाय करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आज आपके लिए समय शुभ हो सकता है। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो दाम्पत्य सुख में आज कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आज मचा रहेगा और सास बहू में आज ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं कलह क्लेश आज हो सकता है, जिसके कारण ये आज थोड़ा सा चिंता विषय चिंता मानसिक चिंताएँ बनी रहेंगी। इन लॉस के कारण कहीं ना कहीं आपके जो है वो भी इंटरफेरेंस के कारण आज आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल पुथल ज़रूर दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को किसी नतीजे को किस तरह से संभालना है ये आज आपको प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आगे बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो आज शत्रु जो है वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार की जो चिंता परेशानी रोग जो चल रहा है उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो चीज़ डॉक्टरों को नहीं समझ आ रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई आज दे रही है। किसी न किसी प्रकार से बहन बुआ को आज या बेटी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ज़रूर आ सकती है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। और कामकाज की अगर बात करूं तो कामकाज भी आज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। किसी न किसी प्रकार से चिंता हो सकती है, काम में वर्कलोड बढ़ सकता है या किसी के साथ अनबन हो सकती है, जो एक चिंता का विषय आपके लिए बन सकती है। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो अच्छा रहेगा आज डॉक्टर्स के लिए समय बहुत। किसी न किसी प्रकार की मान सम्मान की प्राप्ति आज उनको होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से भी जो चिंता परेशानी आपकी बनी हुई थी, जो चल रही थी, उसमें भी आज सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कामकाज की स्थिति आगे से बेहतर हो सकती है और धन का लाभ भी आज कहीं ना कहीं से होता रहेगा। मेहनत करेंगे तो धन भी धन की प्राप्ति आज आपको होती ही रहेगी। और कोशिश करें कहीं धार्मिक यात्रा ज़रूर करें, मंदिर जाएं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके नतमस्तक ज़रूर आज हो। आगे बात करते हैं क्वेरी यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो स्थिति आगे से बेहतर। पिता की सेहत में भी आज थोड़ी सी सेहत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों की तरफ से आज किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कामकाज की स्थिति आज बेहतर हो सकती है। कोई नई आपको आज दिशा मिल सकती है, कोई नई विजन मिल सकती है, कोई मार्गदर्शक आपका हो सकता है। गुरु का आशीर्वाद लेके, जिनको भी आप मानते हैं गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके अगर आप चलेंगे आज तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने गुरु से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे और जिन भी मुसीबतों में मैं फंसा हूँ मुझे उससे निकालें, तो आपके लिए आज शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बात करूँ तो मेहनत दौड़ भाग बनी रहेगी, उसके बावजूद आज आपको कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का आशीर्वाद आज ज़रूर लेके घर से निकलें तो आपको हर प्रकार से सफलता मिलती रहेगी। कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी, भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी और लाभ की स्थिति आज काफ़ी अच्छी आपकी बनी हुई है। किसी न किसी प्रकार से लाभ आपको कामकाज में होता रहेगा, बट खर्चे में थोड़ा सा ज़रूर नियंत्रण रखें। खर्चा ज़रूर से ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी न किसी प्रकार का खर्चा अगर करना है, किसी दान पुण्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो व्यर्थ के कामों में आज खर्चा हो सकता है। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।